राम राम। तो आज हम बात करेंगे स्टेमिना के बारे में। स्टेमिना होता क्या है? स्टेमिना है जब आप किसी काम को करते हो और बहुत देर तक नहीं कर पाते हो, मतलब कि जल्दी थक जाते हो, तो उसको बोलते हैं कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा है। आज हम आपको 10 फूड्स बताएंगे और 5 वर्कआउट बताएंगे कि जिससे कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमने 1 साल पूरा कर लिया है हिंद फिटनेस पे, तो हैप्पी बर्थडे हिंद फिटनेस। ठीक है, बात करेंगे यार पहले 10 फूड्स में। तो सबसे पहला जो फूड होगा हमारा, उसमें हम रखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम रखेंगे पालक को। अब पालक ही क्यों? क्योंकि पालक में आयरन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होता रहता है। ठीक है, अब ये अच्छा होने से क्या होता है कि हमें एक इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि हमारी सारी मसल्स काम करती हैं, और जब ये सर्कुलेशन सही से होगा तो हमें ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे हम अपना वर्कआउट काफ़ी देर तक कर पाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है आपके पास पालक स्टेमिना बूस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा फूड रहेगा वो होगा बनाना, मतलब कि केला। अब केला क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। केला एक नेचुरल शुगर का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और कार्ब्स का, गुड कार्ब्स का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप एक केला अपने वर्कआउट के 15-20 मिनट पहले खाते हो तो आपको 45 मिनट का अच्छा खासा वर्कआउट करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी। अब होता क्या है कि केले में सिर्फ कार्ब्स ही नहीं है, केले में पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, फॉस्फोरस भी है, तो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है केला। केला करता क्या है, केले में एक यार फील गुड हार्मोन होता है आपका, डोपामाइन, जो आपके दिमाग में होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो डोपामाइन शॉट जितना ज़्यादा बढ़ेगा जिस काम के लिए, उस काम को करने के लिए आपका उतना मन लगेगा। तो केला यही काम करता है, आपका डोपामाइन शॉट जो होता है उसके रिलीज को बढ़ा देता है, जिससे कि आपका उस काम को करने में और मन लगता है। तो बनाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे वो है पानी। देखो, पानी तो सबको पता है कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यार स्टेमिना के लिए किस तरीके ज़रूरी है वो आपको हम समझाते हैं। देखो, हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी है, जो हमारा खून है उसमें 90% पानी है, जो हमारी मसल्स हैं उसमें 70% पानी है, और जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें 20% पानी है। तो आप समझ सकते हो पानी की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। ठीक, अब काम कैसे करता है ये स्टेमिना बूस्ट करने में वो समझो आप। जब आप बहुत देर तक पानी नहीं पीते हो या आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, मतलब कि आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे होगा, और जब ये चीज़ें होंगी तो आप अच्छी तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे और आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और आप थक जाओगे। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन था हमारा स्टेमिना से। तो आप मेक श्योर करो कि आप डेली उतना पानी पी रहे हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो एक बात पहले आप और समझ लो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल गाइडलाइंस फॉर वाटर, मतलब एक इंस्टीट्यूट है जो कि पानी कितना आपको पीना चाहिए उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो उसके अनुसार जो मेल हैं उनको 3.7 लीटर पानी और जो फीमेल हैं उनको 2.7 लीटर पानी अनिवार्य है। अब चलते हैं अगले फूड की तरफ। चौथा फूड वो है हमारा आलू। आलू हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे स्टेमिना बढ़ाता है वो समझो आप। आलू में यार होता है स्टार्च, तो स्टार्च जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो माल्टोडेक्सिन में टूट जाता है। ठीक है, माल्टोडेक्सिन में टूट जाता है, और ये क्या करता है, माल्टोडेक्सिन आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो अगर आप अपने वर्कआउट के 45 मिनट पहले एक आलू, बॉयल आलू, उसमें कुछ भी आप स्प्रिंकल करके खा सकते हो, लेकिन मसालेदार नहीं, 1 से 1.5 आलू आप अगर आधे घंटे पहले खा लेते हो तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलने वाली है आपके वर्कआउट के लिए। पाँचवा रहेगा हमारा बीन्स। अब जैसे कि हमारा राजमा हमारे घर में बनते हैं और भी चीज़ें हैं जो बनती हैं, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे मिनरल्स और फाइबर जो क्या करते हैं, हमारे आरबीसी काउंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो राजमा है यार एक फुल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, नेचुरल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और इसमें नेचुरल प्रोटीन के साथ साथ नेचुरल कार्ब भी हमें मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी समय तक हमें वर्कआउट के लिए आराम से एनर्जी देते रहते हैं। तो आप अगर अपने लंच में राजमा का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके स्टेमिना को भी बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया राजमा की बात। अब चलते हैं हम अपने अगले फूड की तरफ, तो उसमें हम बात करेंगे कॉफ़ी की। अब कॉफ़ी तो सबको पता है कि स्टेमिना बूस्ट करता है, लेकिन कैसे वो आप समझो। कॉफ़ी का जो एक्सट्रैक्ट होता है कैफीन, वो आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें नाइट्रेट के जनरेट को बढ़ाता है, और कॉफ़ी में क्या होता है कार्ब्स होते हैं कम, तो कॉफ़ी तभी आपके काम आएगी जब आपकी बॉडी में पहले से ही कुछ कार्ब्स अवेलेबल हों।
अब आपकी बॉडी पूरा खाली है और उसके बाद आप कॉफ़ी पी के वर्कआउट करने जा रहे हो, तो आपकी फैट सेल्स हैं जो जहां आपका फैट स्टोर है वहां से एनर्जी जनरेट होगी। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तब तो आप बिना कुछ खाए सिर्फ कॉफ़ी पी के वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से ही लीन हो बहुत ज़्यादा और फिर भी आप मॉर्निंग में जा रहे हो खाली पेट कॉफ़ी पी के, तो ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। सातवां फूड है हमारा ओट्स। ओट्स यार मेरे लिए तो एकदम सुपर फूड की तरीके है। ओट्स में होता क्या है वो समझो आप, मैग्नीशियम, विटामिन B12 और जिंक, ठीक है। और ओट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक अच्छा स्रोत इसलिए भी इसको माना जाता है। मतलब इसका बेनिफिट एक ये भी है कि जब आप इसको सुबह लंच में या ब्रेकफास्ट में खाते हो, लंच में तो नहीं, ब्रेकफास्ट में जब आप खाते हो तो आपको थ्रू आउट द डे, मतलब कि आपको पूरे दिन में धीरे धीरे वो एनर्जी देता रहता है, जिससे कि आप जल्दी नहीं थकोगे और अपना जो भी गोल है वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, वो आराम से आप कर पाओगे बिना थके। तो जब ये चीज़ों में आप ज़्यादा समय लगाओगे तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। दूसरी चीज़, ओट्स का यार ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है कम। ग्लाइसमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये ब्लड स्ट्रीम में आपकी एनर्जी, मतलब ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देता है। आठवां अगर हम बात करें तो आठवां है हमारे पास चुकंदर। अब चुकंदर क्यों है ज़रूरी स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो समझते हैं हम। देखो यार, चुकंदर में पाया जाता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट क्या करता है आपकी बॉडी के जो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो इन्हेंस हो जाएगी। तो चुकंदर एकदम बेस्ट फूड है आपके स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। नवा जो फूड हम जिसके बारे में बात करेंगे वो नॉन वेजिटेरियन के लिए है, वो है एग्स। देखो यार, इंडिया में या कहीं पे भी आप बात करो तो अंडे जो हैं वो प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो समझो, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और साथ साथ जो भी आपके एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं 9, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो एक अंडा फुल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो अगर आप अंडा कंज्यूम करते हो तो आपको दिन में 3 से 4 अंडे आपके लिए पर्याप्त हैं, और आपके जो ये मसल फटीग होता है जब आप कभी भी रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, या घर पे ही कुछ होम वर्कआउट कर रहे हो या कुछ भी करते हो, तो आप जो फटीग फील करते हो वो नहीं फील करोगे, क्योंकि इसमें जिंक भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, एक कौन सा, एग्स। अब लास्ट है जो दसवां, उसकी बात करेंगे, वो है पीनट बटर। आप पीनट बटर या तो आप घर पे भी बना सकते हो या आप बाजार से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीनट बटर स्टेमिना कैसे बढ़ाता है वो आप समझो। पीनट बटर में देखो, एक तो गुड फैट्स की मात्रा अच्छी खासी होती है, साथ में प्रोटीन की भी अच्छी खासी होती मात्रा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कार्ब्स भी काफ़ी हाई होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है यार कि तुम लोगों को ज़्यादा देर तक काम करने के लिए पावर मिलती है, ज़्यादा देर तक एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है तो हम ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं। लेकिन जिनका वेट गेन ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो वो सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही इस्तेमाल करें पीनट बटर का। तो ये थे 10 सुपर फूड जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं अपने 5 वर्कआउट की तरफ। तो स्टेमिना बूस्ट करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं यार, उसमें पहली एक्सरसाइज हम करेंगे स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या करती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करती है, जिससे कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाता है। तो स्प्रिंटिंग अपने वर्कआउट प्लान में जरूर ऐड करो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगली एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो है वेट ट्रेनिंग। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, जो भी है आप अपनी जो शेड्यूल है वर्कआउट उसमें जरूर ऐड करो।
इसमें करना क्या है आपको कि एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट जितना कम से कम हो उतना कम से कम रेस्ट लो, और इस एक्सरसाइज को प्रॉपर कंट्रोल में अगर परफॉर्म करते हो लेकिन कंट्रोल मूवमेंट होना चाहिए तो आप आराम से अपना स्टेमिना बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लगाने वाले हैं वेट स्क्वाड, अब मेरे पास अभी रॉड नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डंबल से ही लगाएंगे। यहाँ पे आप ये देखो कि अपना जो टो है, जो घुटना है, सॉरी नी है जो आपका, वो टो से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, उसके बाद आप डेडलिफ्ट भी कर सकते हो। आप जितने भी आपकी बॉडी के मसल्स ग्रो करने के लिए जितने भी वर्कआउट हैं सारे आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि मूवमेंट जो होगा आपका वो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, वो है बर्पीज, ठीक है। बर्पीज करने में क्या है कि आपका पूरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि आपकी हर एक बॉडी की हर एक मसल काम करती है, और आपका साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हो ही रही है, साथ में आपका क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो आपको देखो इसको करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जंप लोगे, ठीक है, एक जंप और पुशअप की पोजीशन। आप इसको 10 से 15 जितने भी रेपिटेशन हो सकते हैं आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो। चौथा वर्कआउट है हमारा स्टेयर वर्कआउट। स्टेयर वर्कआउट का मतलब है हमें स्पीड में ऊपर आना है और धीरे धीरे नीचे जाना है, और जब हम नीचे जाएंगे वही हमारा रेस्ट पीरियड होगा, और जब हम ऊपर आएंगे तब हम अपने आप को ट्रेन कर रहे होंगे। तो आप देखो इसको कैसे करना है, और आप इसको लगभग 5 से 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हो उतना करो। शुरुआत में हम आपके लिए रेपिटेशन नहीं रख रहे हैं, जब आप शुरुआत करो उसके बाद हम आपको आपको बताएंगे कि कितने आपको रिपीटेशन करने हैं। तो 5 सेट इसके लगाने हैं और 5 मिनट तक। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है माउंटेन क्लाइंबिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि कोर तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, साथ में शोल्डर, बैक और ग्लूट्स, हमारे लेग्स, सारा सब कुछ हो रहा है। तो इसमें ये स्टेमिना बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, चारों तरफ से आ जाना जना। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है वो समझो। जब हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा झुकना है ताकि जितना हो सके हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो सिर्फ पैर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब ये करते हैं तो कोर भी आ रहा है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नेचुरल स्टेमिना बूस्टर है जो हमारा खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। जय हिंद।